हॉरर गेम, एक ऐसा गेम जहाँ पर हर जगह दहशत मची होती है, भूतों की भरमार होती है, तुम्हारे हाथ पे टॉर्च अगरबत्ती मोमबत्ती पकड़ाई दी जाती है और तुम एक जगह फंस जाते हो और तुम्हें उस जगह से निकलना होता है। तो मैं अपने ओपन वर्ल्ड कार गेम पे काम कर रहा था और फिर मैंने सोचा यार कि इस पर तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैंने अपने आप को दिया एक वन डे गेम चैलेंज और उस पर मैंने अपनी जेनर चुनी हॉरर गेम। और मुझे किसी भी तरह आज रात के 12 बजे से पहले पहले उस गेम को फिनिश करना है और पता नहीं यार मेरे को भी मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं। तो लेट्स कंटिन्यू। तो अभी टाइम कुछ और रखा है यहाँ पर 9:30 के करीब और मुझे आज ही का आज इस हॉरर गेम को फिनिश करना है क्योंकि मुझे अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट पे कार ओपन वर्ल्ड कार गेम पे भी काम करना है। तो हॉरर गेम्स के लिए क्या क्या चाहिए? तो हॉरर गेम्स के लिए चाहिए हमको एक भूत, एक भूत जैसी जगह और अपना एक प्लेयर जो कि उस भूत जैसी जगह में फंस जाएगा और उस भूत से भागेगा। तो स्टार्ट करते हैं और अपनी भूत जैसी जगह बनाते हैं, मतलब कि गेम डिजाइन बनाते हैं। तो एक बार मैं फिर यूनिटी पे गया और इस बार मैं प्रोजेक्ट 3D URP के अंदर बनाने वाला हूँ अच्छे ग्राफिक्स के लिए और नाम रखा मैंने हॉरर गेम। तो मैंने बहुत सारी हॉरर गेम्स की वीडियोस भी देखी और मैंने एक चीज कॉमन देखी, बहुत सारे हॉरर गेम्स में यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। अरे अरे हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, जो मैंने एक चीज कॉमन देखी जो कि बहुत सारे हॉरर गेम्स में घर ही होता है, मतलब कि एक बिल्डिंग सी होती है या फिर कोई जगह होती है जिसके अंदर घुस जाते हैं, जैसे ग्रैनी हो गया, मुझे खाली हॉरर गेम के नाम पे ग्रैनी ही पता है। तो मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को बदल देता हूँ थोड़ा यूनिक चीज़ करने के लिए, हालांकि मुझे पता है कि ये चीज़ें पहले भी इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, ऐसे कोई बहुत से गेम आ चुके हैं जिन्होंने जो ये चीज़ फॉलो कर चुके हैं। तो बस मैंने वहां से एक आइडिया उठाया और अपने घर की जगह मैंने बना दी एक मेज, एक ऐसी गुफा जहाँ पर तुम जाओगे तो खो जाओगे और फिर वापस नहीं आ पाओगे। यहाँ पर मैंने गेम डिजाइन फिर से लेवल डिजाइन पे मैंने यहाँ पर अपनी एक मेज बना दी है और अब मुझे उन्हें देना है टेक्सचर और टेक्सचर देने के बाद ये कुछ इस तरीके से लग रही है। अब मुझे बनाना है यार इसके बगल बगल में एक बाउंड्री क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने वहाँ पर बाउंड्री नहीं बनाई तो तुम गेम छोड़ के या फिर उसे कम्प्लीट करने के बाद तुम वो बाउंड्री को तराशने चले जाओगे। इसलिए मैंने वहाँ पर एक गेम बाउंड्री बना दी कि तुम यार तलाशने ना निकल जाओ और गेम पर फोकस कर सको। और अब बनाना था मेरे को अपना फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर और ये भी मैं बना चुका था और अब बस मुझे कुछ चीजें और इसमें डालनी थी। तो मैंने उस फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर को टॉर्च पकड़ा दी क्योंकि मैं दिन में इस गेम को तो नहीं बनाने वाला। तो फिर मैंने अपने सीन पे क्या किया, अंधेरा छा दिया, अंधेरा कायम रहे। शक्ति 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 महान, शक्ति 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 महान, शक्ति 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 महान। हाँ, वैसे जो भी आदमी था वो मैं नहीं था, मैं किसी शक्ति शक्ति महान पे नहीं न झूमता नहीं नाचता। और मैं तुम्हारी डिफिकल्टीज यहाँ पर खत्म नहीं करने वाला हूँ, मैं सीन में फॉग भी ऐड करने वाला हूँ कि तुम्हें दूर दूर के पास पास का भी कुछ ना दिखे। अब देखो, तीन में से इम्पोर्टेंट तीन चीजों में से दो चीजें मेरी हो चुकी थी, क्या क्या, लेवल डिजाइन हो चुका था और मेरा प्लेयर हो चुका था जिसके हाथ में एक टॉर्च भी होगी और वो रात को ही जलेगी। और अब बनाना है मेरे को अपना एक एनिमी और एक बॉस। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक बॉस एनिमी को रखने वाला हूँ और उसके कुछ पंटर होंगे जो 3-2 होंगे उसके छोटे एनिमी, उनको मैं रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मिक्सामो में गया, वहाँ पे एक कैरेक्टर मॉडल को उठा लिया और यहाँ पे मैंने स्केच फैब से एक मॉन्स्टर के मॉडल को भी उठा लिया और उसको मैंने मिक्सामो से अपनी एक अच्छी सी एनिमेशन दे दी। अब मुझे क्या करना था, मुझे इसे अपने गेम सीन में लाना था और इसे अपनी अपनी जगह पर रख देना था। अब देखो इनकी पोजीशंस क्या है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पर होंगे और ये रैंडमली कहीं भी हो सकते हैं। और मैंने गेम के अंदर बहुत चीजें, मतलब कि क्या कहो, एक दो चीज एक्स्ट्रा और ऐड की है जो मैंने नहीं बताई है, बाकी जब तुम उसे खेलोगे तो तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। बाकी इसी के साथ मेरी बहुत सारी चीजें हो चुकी थी, अब मुझे करना था ऑप्टिमाइज करना था और कुछ UI जोड़नी थी। और बाकी मैंने बहुत सारी UI और जोड़ी कि तुम जीत जाओगे तो UI आएगी, तुम मर जाओगे तो एक UI आएगी और ऐसे करते करते मेरा गेम एकदम कंप्लीट हो चुका था। अब फाइनली बारी थी यार इसको एक्सपोर्ट करने की, इस गेम को बनाने की। और इसका नाम मैंने दिया है, क्या दूं मैं इसका नाम, हाँ यार यहाँ पर एक मेज जैसा सीन है ना और ये भूतिया भी है, हाँ तो इसका नाम मैंने दिया है हॉरर मेज।
क्योंकि और कोई नाम दिमाग में आ ही नहीं रहा था, ना ही सूझ रहा था। अब देखो यार, दिक्कत क्या है ना कि ये गेम अभी पीसी के लिए, क्योंकि ना मोबाइल के लिए यहाँ पर कुछ टच इनपुट्स देने पड़ते हैं यूनिटी में, जो कि मुझे नहीं आते हैं। मैं सिंपली तुम्हें बता देता हूँ, तो मुझे सीखने में कम से कम एक हफ्ता जाएगा, समझ लो जाएगा मेरे को एक हफ्ता। तो शायद से एक हफ्ते के बाद यहाँ पर तुम एक प्ले स्टोर का लिंक देख पाओ, अगर प्ले स्टोर में अपलोड हो जाएगा तो सही है, वरना मैं एपीके का इसका लिंक एक हफ्ते बाद या फिर जितनी जल्दी हो सके मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। अभी के लिए मैं सिर्फ पीसी का डाल रहा हूं। और तो मेरी पिछली कार गेम डेवलप की डेवलप वन पे यार सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, और तुम लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, तुम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दिए, मतलब कि जब मैं उन्हें पढ़ता हूं यार कि फुल सपोर्ट भाई और मस्त है, नाइस है, तो मतलब कि एक अंदर से एक फीलिंग आती है कि हाँ यार अब मोटिवेशन मिलती है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। और ऐसे ही मैं डेवलॉग्स बनाते रहूंगा, बस तुम मेरे साथ इस जर्नी में कंटिन्यू रहो। और जैसे कि तुम में से बहुत से लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि तुम लोग बात करना चाहते हो और मतलब कि इंस्टाग्राम आईडी दे दो, तो मैं यहाँ पर एक फाइनली एक डिस्कॉर्ड सर्वर बना रहा हूँ अपना खुद का। और मैं डिस्कॉर्ड में नहीं हूँ तो उतना एक्सपेक्टेशन मत करना कि ज्यादा अच्छा होगा या क्या होगा, खाली सिंपल सा डिस्कॉर्ड सर्वर होगा, वहाँ पर हम बातें कर सकते हैं और गेम डेवलपमेंट जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है तो उसके बारे में बातें कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत मेहनत लगी है यार। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने कार गेम डेवलपमेंट की डेवलप 2 में, बाय बाय। और अगर ऐसे ही मैंने चैलेंज एक बार फिर से लिया तो शायद से एक और वीडियो दोबारा आ सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।